हेलो फ्रेंड, यहाँ मैं आई थी डेंटल क्लिनिक पे। मेरे यहाँ दांत का मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए, और मेरे दांत में देखिए अभी उन्होंने NS दिया हुआ है और बैठाया हुआ है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट करेंगे। तो दांत बहुत ख़राब हो गए थे, एक दांत था, पहले मैं बहुत डर रही थी, उसमें दर्द तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन थोड़ा हो गया था ना काला काला और गड्ढा जैसे हो गया था, तो इसलिए मैं डर रही थी कि बाद में दर्द देने लग जाएगा। दांत का दर्द बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, उससे कान का और सिर का भी दर्द होने लगता है इसलिए। और यहाँ जो आवाज़ आ रही है ना, वो फटाके फूट रहे हैं बाहर, उसका है, बारात आई हुई है, उसका आवाज़ है, तो उसको इग्नोर कर मैं यहाँ बैठी हुई थी। और सच में जब मैं करवाई ना, उसके बाद मुझे लगा मैं क्यों करवाई, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था इसलिए। और अभी मैं आ गई थी घर। ये 3 से 4 दिन में होता है, जो RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, ये 3 4 दिन में होता है, तो कंटिन्यू नहीं होता, बीच बीच में आपको बुलाते हैं। तो मैं ऐसी 2 4 दिन में जा रही थी, वही सब का वीडियो मैंने एक साथ ही डाल दिया है इसमें, और मैंने करवा लिया, बहुत ही अच्छा किया, नहीं तो बाद में मेरे को बहुत दिक्कत होती। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सईफा बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज मेरे दांत में बहुत दर्द है, यहाँ पर सूजन भी है। आज मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो वो मतलब थोड़ा बहुत उसका ट्रीटमेंट किए हैं, फिर बुलाए हैं बाद में, तो मेरे को दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही लग रही है, बाहर एकदम बदली बदली तो है लेकिन गर्मी फिर भी बहुत लग रही है। दिख रहा है चंदा मामा, पूरा अंधेरा था यहाँ तक, इन लोग के घर तक चंदा मामा दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, इतना सुंदर वो दे निकल रहे हैं उसमें से। ये रात का समय, हम खाना खा के बाहर टहल रहे थे, तो मैं आपको बता रही थी कि सच में मैंने करवा लिया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि दर्द तो उस समय नहीं दे रहा था, लेकिन अगर मैं नहीं करवाती तो बाद में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि उन्होंने बताया कि उसमें मतलब बहुत ज़्यादा सड़न हो गई थी और पस आने लग गया था। अगर मैं बाद में करवाती या नहीं करवाती, बाद में दर्द होता ना तो और दिक्कत होता, अंदर ही अंदर मतलब शायद सड़ने लगता या पता नहीं क्या हो जाता, थोड़ा सा दर्द तो होता है लेकिन हाँ ठीक हो जाता है। बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया, मैं 1 हफ्ते बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरा मतलब मुंह भी सूजा हुआ था, मैं अच्छे से खा पी भी नहीं पा रही थी, लेकिन 1 हफ्ते बाद अब मेरा दांत एकदम ठीक हो गया है, उसमें दर्द भी नहीं है। उन्होंने कैप लगवा दिया है, मतलब कैप लगा दिया है उसका, जो ट्रीटमेंट करके अब मेरे को दर्द भी नहीं हो रहा है। जब मैं करवाने गई थी तो मैं सोची थी मैं क्यों करवाई बोलकर, क्योंकि बहुत दर्द होता है जब इंजेक्शन और मतलब बाकी सब कुछ करते हैं तो, लेकिन बाद में अब ठीक है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आपके भी दांत में थोड़ा भी दर्द होता है या फिर आप डर रहे हैं जाने से, तो डरिए मत, थोड़ा सा हिम्मत कर लीजिए और चले जाइए, क्योंकि मेरे जब मुंह में ऐसे सूजन हो गया था ना फेस पे, तो मेरे को लग रहा था मैं क्यों करवाई, लेकिन अभी ठीक हो गया है ना सब, तो अब मेरे को अच्छा लग रहा है। और अच्छा हुआ करवा ली, नहीं तो बाद में और दिक्कत होती, क्योंकि उसमें पस आने लग गया था, सड़न होती, पता नहीं अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती, तो अच्छा हुआ करवा ली। तो आप भी डरिए मत, थोड़ा सा तो दर्द तो होगा, वैसे भी NS देकर ही वो करते हैं, तो अच्छा हो जाएगा आपका भी। इस तरीके से मैंने करवा लिया, पहले तो मैं डर रही थी कि क्या क्या हो गया मेरे चेहरे पे, क्यों करवाई, और जब भी उसका मेरे को जाना रहता डॉक्टर के पास तो मैं ऐसी रोने लगती थी, और उस दिन का ही है जिस दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तो मैं रोने लग गई थी उस दिन भी, तो लेकिन फिर मैं बाद में हिम्मत करके गई, थोड़ा सा दर्द सही, लेकिन आज सब कुछ ठीक हो गया है। तो आप भी हिम्मत कर लीजिएगा अगर आपके भी दांत में थोड़ा दर्द होता है तो, और ज़रूर करवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में और भी दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब।